तो यहाँ पे हमारा लगेज वगैरह रखा है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे पैसेंजर टीटी से बात कर रहे हैं एसी को लेके। एसी खराब पड़ा था तो पैसेंजर नाराज हो रहे थे टीटी से कि एसी क्यों खराब है, एसी ठीक कराए। पार्लर पार्लर में जाके क्लीन अप वगैरह करा के फिर रात में ही मैंने पूरा लगेज लगा लिया था। पूरा हमारा बहुत सारा लगेज हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा लगेज, हम बहुत परेशान हो गए। और देखो अंधेरा रात भी हो गई है और हमने भोपाल स्टेशन से ट्रेन पकड़ ली है। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और बहुत जल्दी आपको हमारी मंजिल दिखेगी और नई ज़िंदगी में कदम रखने जा रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मेरे लिए तो नई ज़िंदगी है, तो अब नई ज़िंदगी कैसे होगी, क्या होगा, कैसे क्या करूँगी मैं। अभी तक सब लोग बोल रहे थे कि आपकी फैमिली में शायद कोई भी मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपकी लव मैरिज है, तो ऐसा नहीं। अभी तक मैं फैमिली के बीच में थी तो मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए। तो आप लोग कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ। जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से जानती है कि लक्ष्मी अभी क्यों नहीं जवाब दे पा रही है, क्यों नहीं रिप्लाई कर पा रही है। तो अब मैं सेकंड वीडियो सेकंड डे से स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह हो गई है। कल शाम को निकले थे हम लोग भोपाल से, ट्रेन हमारी आ गई थी 6:30 बजे और अब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो सो के मैं अभी जस्ट उठी हूँ और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। और आप सबको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। सोकर उठने के बाद हालत बहुत ख़राब हो जाती है और ख़ास तौर ट्रैवल करते टाइम आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, चाहे वो आपका फर्स्ट एसी हो चाहे सेकंड एसी हो, कोई सा भी एसी हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ट्रैवल करते टाइम बहुत अजीब हो जाते हो, थक जाते हो, कोई स्टेशन आ चुका है। हाँ, मेरी मिस्टर हस्बैंड सो रहे हैं तो वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और अपनी वो नींद पूरी करेंगे अच्छे से क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तुम्हारा होटल नहीं था तो तुम क्यों चली आई, कैसे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मेरा घर है। मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ वो मेरा घर है और वहाँ हमारी पूरी फैमिली रहती है, लेकिन मेरे हस्बैंड का जहाँ काम होता है, यहाँ काम चलता है, वो बाहर है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हमने फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन कराया था और आपको एक बात बताऊँ, फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन कराया हम लोग भोपाल से बैठे और हमारा एसी खराब था, लेकिन हमारा लक अच्छा था कि एसी हम उस टाइम तक सुधर गया था। जैसे ही हमने एंटर किया तो उस टाइम पे जो भी पैसेंजर थे वो बात कर रहे थे कि एसी नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा। वो बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे थे और उनको बहुत टाइम हो गया था, उनका एसी बहुत टाइम से ख़राब चल रहा था, तो फाइनली एसी हमारे आने तक सही हो गया था। तो ये होता है लक तो हम तो एसी में आए, लेकिन जो पैसेंजर बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बेचारों ने कैसे निकाला होगा। और आप तो सब जानते हो कि फर्स्ट एसी का चार्ज ज़्यादा होता है, सेकंड एसी का भी चार्ज ज़्यादा होता है। हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, अगर आप चार्ज देते हो और आपको एसी या किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती है तो बुरा तो लगता है, क्योंकि अगर कोई भी पैसेंजर इतना महंगा टिकट करा रहा है तो वो इसलिए करा रहा है कि उसको सारी सुविधा मिले, अगर उसको सुविधा नहीं मिलती तो उसको बुरा लगता है। और मेरे फेस की तो जो हालत हो रखी है अभी आप ध्यान मत दीजिए, तो
अब आपको मिलेंगे मैन स्टेशन पे। फाइनली हम लोग अब उतरने की बारी आ चुकी है, स्टेशन आने वाला है हमारा। और ये आप देख सकते हैं हमारा लगेज, और हम अब जाएंगे स्टेशन। हमारी हालत हो चुकी है अजीब सी, और चलिए अब स्टेशन पे मिलते हैं आपको। सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम, और क्या कर सकते हैं। अब मेरे हस्बैंड गए हैं पहले लिफ्ट से सारा लगेज लेके ऊपर, अब मैं जाऊँगी। तो हम पुणे आए हुए हैं, आप सबको पता चल गया होगा, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने फ्लैट पे। और फेशियल करा लिया अपने घर में, फाइनली हमारा घर। तो अभी ये घर घर नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद घर घर लगेगा, क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। अभी तक मेरे हस्बैंड को जरूरत ही नहीं पड़ी शादी से पहले घर वगैरह लेने की। तो मेरा बेस्ट पार्ट तो ये है ना, हमारा किचन है, और यहाँ
अगर आप पंचर है तो डाइनिंग टेबल वगैरह है ना, और ये रूम है। मैं आपको पूरा होम टूर कराऊंगी, लेकिन जब पूरा मैं अपना सामान सेट कर लूंगी उसके बाद। ये हमारा, हाँ यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए वॉशिंग मशीन एरिया, हमारा वॉश मशीन, हमारा वॉशरूम जो कि बहुत क्लीन है, और फाइनली ये हमारा रूम, ये हमारा रूम है। पूरा सेटलमेंट करना है तो एक बार मैं आपका होम टूर करा ही देती हूँ, लेकिन ये वीडियो जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपको मेरे वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और मेरी हालत को नोटिस मत कीजिए, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी हो। और अभी हमने फ्रिज का ऑर्डर कर दिया है, फ्रिज तो हमारा बहुत पहले ही हो गया था बुक, फ्रिज हमारा बुक हो चुका है, बहुत सारा सामान आ चुका है और बहुत सारा सामान नहीं आया। आज हमें पूरा किचन सेट करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है आज हमें। तो आप भी लक्ष्मी पे बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए, इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाइए कि आपकी लक्ष्मी को दिन रात चौगुनी तरक्की मिले। और यहाँ पे मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ नया, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, और आपको मेरे रील्स भी मिलेंगे। रील्स का एरिया मैंने अपना बहुत बेस्ट बनाऊंगी, जो कि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है, तो बहुत हो गया, लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। पापा से बात करनी है अभी, तो पापा से बात कर लेती हूँ मैं। और सच में यार ट्रैवल करना थोड़ा सा हैटिक वाला काम होता है, चाहे वो फर्स्ट एसी हो या सेकंड एसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फ्लाइट क्यों ना हो, ट्रैवल बहुत भारी पड़ता है। और हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपना पूरा सामान नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे मेरे जब ससुराल में कोई फंक्शन होगा या फिर वहाँ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो यहाँ भी रहना ज़रूरी है, और जब मेरे घर में कोई फंक्शन वगैरह होगा तब मैं जाया करूँगी वहाँ पे, फंक्शन अटेंड करके आ जाया करूँगी। तो आपको अब जो वीडियो मिलने वाले हैं वो इसी घर के मिलने वाले हैं, होम स्वीट होम।